जिस तरह से उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला लगातार भयानक हमले कर रहा है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब इसराइल हिजबुल्ला से आर पार की लड़ाई के लिए जंग के मैदान में आ सकता है, और अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो हालात विनाशकारी होंगे। लेकिन लेबनान पर आक्रमण को लेकर ईरान उसकी ढाल बनकर सामने खड़ा हुआ है। ईरान ने इसराइल से दो टूक कह दिया है कि अगर इसराइल ने लेबनान पर हमला किया तो उसका अंजाम वो होगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल ईरान के कार्यकारी विदेश मंत्री अली बगेरी कानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अगर इसराइल लेबनान के खिलाफ युद्ध छेड़ता है तो ये उसके लिए नर्क साबित होगा जहां से उसकी वापसी नहीं होगी। बगेरी ने अपने बयान में आगे कहा कि लेबनान इसराइल के लिए नर्क साबित होगा जहां से यहूदी वापस नहीं लौट पाएंगे, और अगर वो समझदार हैं तो वो लेबनान पर दोबारा आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बघेरी ने इस दौरान इसराइल लेबनान के बीच साल 2000 और 2006 में हुए युद्ध की तरफ इशारा करते हुए यह बयान दिया है। ईरान के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर जो हमला किया था उसके बाद से ही ताकत का संतुलन बदल चुका है। इसराइल गाजा के लोगों को मारकर 7 अक्टूबर से पहले के हालातों में लौटना चाहता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। आपको बता दें कि 11 जून 2024 को इसराइल ने एक हवाई हमले में हिजबुल्ला के सीनियर कमांडर तालेब अब्दुल्ला को दक्षिणी लेबनान के जवाया कस्बे में ढेर कर दिया था, और इसके बाद से ही हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर हमले तेज कर दिए। वहीं हिजबुल्ला को लेकर पीएम नेतन्याहू की पार्टी के अलावा मुख्य विपक्षी पार्टी नेशनल यूनिटी के मुखिया बेनी गेंट्स ने भी चैनल 12 न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि यदि हिजबुल्ला इसराइल पर हमले बंद नहीं करता है तो लेबनान जल जाना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि हाल ही में बेनी गेंट्स ने नेतन्याहू की वॉर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। वो सरकार से गाजा में युद्ध के बाद की रणनीति पर स्पष्ट जानकारी मांग रहे थे। खुद गेट्स का कहना है कि वॉर कैबिनेट से बाहर आने के बाद भी उनकी पार्टी लेबनान के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करती रहेगी। वहीं हिजबुल्ला ने भी इसराइल को ईंट का जवाब पत्थर से देने की धमकी दी है।